हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। धूप बहुत ज़्यादा है तो आपको मैं पहले बाहर भाई धूप चेक करवाता हूँ। अभी मार्च महीना ही चला है और भाई गर्मी इतनी लगनी शुरू हो चुकी है कि तो इनको देख लो भाई, खुले सांड की तरह पड़े हुए लंबे, पूरे मज़े लगे हैं भाई। कैटरीना तो खाना वाना डाल दिया था भाई कैटरीना को, बढ़िया धूप सेक रही है। और भाई बाहर का व्यू चेक करो पहले तो, आप देख लो भाई कितनी गर्मी लगना शुरू हो चुकी है इस टाइम। ये देख सकते हो कड़क धूप है भाई, कड़क जिसको बोल सकते हैं हम। ये लो जी हमारे पड़ोसी। हेलो मामी जी, आ गए आ गए आप। हाँ जी हाँ जी। देखो यार गर्मी इतनी लग रही है और धूप भाई सीधी पड़ रही है माथे पे। तो मेरे को एक फ्रॉड कॉल आई थी कंपनी की तरफ से, और उसमें ऐसा बोल रहे थे कि 15-16 हज़ार का, ज़्यादा मेरे को आईडिया नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे को वो कॉल आई थी तो भाई उसमें बता रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। तो पहले भाई वो रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपने विचार देना। तो देख लो 3:46 पे ये कॉल आई थी मेरे को, तो ये नंबर चेक कर लो गाइज़ और थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ, बाकी आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनो। मिलेगा लेना चाहोगे? ले लेंगे जी, मात्र आपको 3500 रुपए मिलेगा, लेना चाहोगे? क्या ले लेंगे जी। करते हैं आप? खेती बाड़ी, दिहाड़ी, मजदूरी, बिजनेस, जॉब? दिहाड़ी करता हूँ जी। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है? हाँ जी हाँ जी। हिमाचल के रहने वाले हो कहीं बाहर के? हिमाचल के जी। ठीक है, ये नंबर आपका है किसी और का है? नहीं मेरा ही है जी। ठीक है, मेरी बात को सुनो। हाँ जी। मैं दिल्ली से शास्त्री नगर से जीएस प्राइवेट लिमिटेड एक सरकारी एनजीओ के माध्यम से बात कर रही हूँ। हिमाचल में जैसे कुल्लू, मनाली, सिरमौर, किन्नौर, चंबा, सोलन, धर्मशाला, हाँ हर जगह से नंबर चुने गए हैं जिसमें से एक नंबर आपका है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या लालच नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज या डिलीवरी चार्ज या पहले पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, रियलमी का फोन है, नार्जो का 20 प्रो, 6.3 इसका डिस्प्ले है, 64 GB इंटरनल है, 6 GB रैम है, बाइक में 4 कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, हाँ जी, 16 इसका फ्रंट है, फिंगर सेंसर है, फेस लॉक है, 4500 mAh का बैटरी बैकअप है। ठीक है, हाँ जी। जैसे मान लो आपने मोबाइल ले लिया, हाँ जी, अगर आपको नहीं पसंद आया या कोई भी दिक्कत लगती है, हाँ जी, तो जो नजदीकी सर्विस सेंटर होता है आप वहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, जी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी। अब अगर 45 दिन के बाद कोई दिक्कत होगा तो हम आपको सही करके देंगे, रिटर्न चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सामान आपके नजदीकी गांव का जो पोस्ट ऑफिस है, हाँ जी, वहाँ पे पहुँचेगा, डाकिया भी फोन कर देगा, हम भी फोन कर देंगे। अच्छा जी। सामान आपका चारों तरफ से जीएस का सरकारी लॉक लग के जाता है, हाँ जी, ना ही वो सामान घर पर देने आता ना खोल कर दिखाता है। हाँ जी। जब आप उसे कैश पेमेंट देते हैं, साइन करते हैं, वो तभी सामान देगा आपको। ठीक है, अच्छा जी। ये सरकार की तरफ से दिए जा रहे जैसे श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बने हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, उसी के पर्पज से ये दिए जा रहे हैं। आपको कोई दबाव या लालच, कोई एक्स्ट्रा चार्ज या डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है जी जी। पूरी बात समझ में आ गई? ये स्कीम हाई कहाँ से जी, मतलब स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई है इस तरीके की? कोई स्कीम नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहे हैं बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड जो है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना बना रही है सर। अच्छा जी, मैंने तो नहीं सुनी है। आपको कंफर्टेबल हो, हाँ जी, लेना है तो मंगवाओ, नहीं ले लेंगे, नहीं लेना है ले लेंगे। क्या करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत? क्या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं मैम हम? हाँ तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, हमारी तरफ से आपको कोई दबाव या फोर्स नहीं किया जा रहा है सर जी। ठीक है जी, अगर आपको नीड है, जरूरत है तो मंगवाओ, नहीं है तो मत मंगवाओ सर। नहीं मैम, जरूरत तो है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई देखो दिक्कत सर, कल को सामान पहुँचे डाकिया से, पोस्ट ऑफिस में पहुँचे, आप ये बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डाकघर नहीं जाऊँगा। नहीं मैम, मैं डाकघर जाऊँ, मैं डाकघर जाऊँगा, पर अगर वहाँ मैंने कैश पेमेंट की और उसके बाद उसमें कुछ और निकला तो आपकी कम्प्लेंट फिर मैं पुलिस थाने में दूंगा। आप सामान ही ले जाके पुलिस में खोलो थाने में। हाँ जी,
मैंने आपको कोई मना थोड़ी किया, आपको मैंने एक मोबाइल बिल चार्जर ही तो बताया है। नहीं नहीं, आप अपनी जगह ठीक है, आप सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे, पर मेरे को ये नहीं कंफर्म हो रहा है ना कि आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हैं। कि मैं रियलमी मोबाइल कंपनी से बात कर रही हूँ, दिल्ली से शास्त्री नगर। आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ मेरे को मिल सकता है? किसका? मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय आपको आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ देता है? कभी सुना देता है तो मैम, आजकल फ्रॉड भी इतना कुछ चला है ना। अगर एक बात बताओ, हम आपसे पहले पैसा जमा करवाते तब आप इस बात की हमसे सियोरिटी मांगते कि मैडम हमें कोई आइडेंटिटी दे दो। हम तो आपसे कुछ जमा नहीं करवा रहे हैं ना। नहीं, आप अपनी जगह सही बोल रहे हो। वहाँ पे जब वहाँ पे मेरे को कैश पेमेंट करना पड़ेगा कुछ? हाँ। कितना करना पड़ेगा? 3500। 3500 तो 3500 तो आप ले ही रहे हो मेरे से फिर भी। तो 13,000 रुपए का फोन आपको 3500 रुपए में दिया जा रहा है जी, क्या चाह रहे हैं? फ्री में मिले आपको? मैम मैं 35 अब मैम देखो ना, एक दिहाड़ी जब बंदा लगाता है तो उसको 400-500 रुपए मिलता है। दिहाड़ीदार इंसान का 500 रुपया नहीं मिलता आज की डेट में, मैं दिल्ली का बता रही हूँ। मैम तो आप दिल्ली में पहाड़ी इलाकों में कौन देगा 1000 रुपए दिहाड़ी? 700-800 रुपए से तो कहीं भी कम नहीं है मैम। 500-550 रुपए दिहाड़ी है एक लेबर वाले की, लेबर में काम करता हूँ। मुझे वहाँ का नहीं पता सर जी। नहीं तो मैं वहाँ का बता रहा हूँ ना आपको, जहाँ आप चीज भेज रहे हो। एक बात बताओ सर, हमारी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है। मैम आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो सरकार हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रही है इसी पर्पज से। हाँ। आप हमें कोई चीज दे रहे हो ठीक है ना मैम। अब सरकार को ये थोड़ी ना पता कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ क्या करता हूँ ना, आपको पता है जो मेरी कंडीशन है ठीक है ना मैम। अब मैंने आपको बताया कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 500 रुपए दिहाड़ी मेरे को मिलती है, 550 रुपए ठीक है ना मैम। मैं वो जोड़ के 3500 रुपए आपको दूंगा, वहाँ जमा करवा दूंगा ठीक है ना मैम। जमा नहीं करवाना, पहुंचेगा डाकिया फोन करेगा तब। अच्छा नहीं, डाकिया की कॉल मेरे को आ गई ठीक है मैम। और उन्होंने मेरे को बोला कि ये आपका जो सामान है वो आया है, मोबाइल है इसमें कुछ भी है ना। मैंने 3500 रुपए उनको दे दिया और उसमें मान लो गलती से कुछ और निकल गया फोन की जगह। सामान तो आपका जीएस का सरकारी लॉक लग के जाता है, आपको हर चीज की रसीद और रिसीविंग मिलती है। 45 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, एक साल की गारंटी है आपके मोबाइल की। 45 दिन के अंदर आप अपना मोबाइल कभी भी रिटर्न कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। 45 दिन के बाद अगर कोई दिक्कत होती तो हम सही करके देते हैं, रिटर्न चेंज नहीं करते हैं। मैम आप फोन सही करके दे दोगे और उसमें कोई साबुन की टिक्की निकल गई तो? अगर आपको लग रहा है सर आपके यहाँ साबुन के टिक्की की कमी है, हमारे यहाँ तो फिलहाल है नहीं, खरीद के भिजवा देंगे आपको। अरे मैम आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर मेरा बोलने का मतलब ये आप इतना उल्टा लेना ना लेना अलग बात है, पर आप ये जो बोल रहे हो ऐसे बोला ना चाहिए क्या आपको कि साबुन का टिक्की हिमाचल में नहीं मिल रही है क्या? नहीं तो कंपनियां कर रही है ना मैम ऐसे, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड तो साबुन को एक तराजू में ना तोलो ना सर जी। तो मैम अब इतने जब फ्रॉड चल पड़ा है तो उसमें हम इतना अगर हम लोग आपको इतना सा तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए सर कि सामान मंगवा रहे हो, अगर कंपनी आपसे पहले कुछ जमा करवा रही है क्या? मैम जमा तो नहीं करवा रही, पर वहाँ पे तो ले रहे हैं ना फिर पैसे। तो जब आप 10 लोगों के बीच में खोलो, ले जाके पुलिस स्टेशन में खोलो। मैंने आपको रियलमी का मोबाइल ही तो बताया है, बिल और चार्जर ही तो बताया है, और क्या बताया मैंने आपको? आप मैम आप भड़क क्यों रहे हो, मैं आपसे सिर्फ नॉर्मली आपकी बात पे ही भड़क रही हूँ। मैं भड़क रही हूँ? मैं तो आपसे पहले स्टार्टिंग में यही चीज में बात कर रही हूँ, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ वैसे ही अभी बात कर रही हूँ मैं। नहीं आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं तो ऐसा करो आप भेजो फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे फोन फिर। नहीं वो तो ठीक है हम भेज देंगे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ना तो वो घर पर देने आएगा ना खोल कर दिखाएगा। जब आप उसे कैश पेमेंट दोगे साइन करोगे तो ये कंडीशन रखी है ना मैम फिर आपने? किसके ये कंडीशन? मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, ये पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट कंडीशन है, हमारे कंपनी की कोई कंडीशन होती है कभी? मैम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं आप, दिल्ली में कहाँ से? रियलमी के कंपनी से बोल रहे हैं ना? गो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, रियलमी मोबाइल कंपनी से, गो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैम अपने ऑफिसर का नंबर दो मेरे को, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। चलो रखो फोन आप। नहीं नहीं दो नंबर दो रखो फोन आप, कोई आप इतने इतने दिमागदार हो क्या बोलूं मैं आपको, रखो फोन।
नहीं, आपकी ये वीडियो ना यूट्यूब पे आ जाएगी, इसको अपनी रिकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्ड यूट्यूब पे मेरी आ जाएगी, वहाँ देख सुनो, लेना। आप कुछ भी कर लो, हाँ मैं आपको मना कर रही हूँ, आपका हाथ आपके पास में है, आपका मोबाइल हाँ, आपके पास में है, आपका कान नाक सब आपके पास में है, मेरी आवाज रिकॉर्डिंग कर लो और आप यूट्यूब पे डाल दो, कुछ तो करो करो, कोई ना कोई कम से कम कोई काम नहीं है तो काम है आपके पास करो, मैंने आपको मना किया है क्या? अरे कैसे बातें कर रहे हो कुफो की तरह सर जी, मैंने आपको किसी चीज के लिए मना, आप फ्री फ्री हो, फ्री भारत का हर आदमी फ्री है, जो मर्जी करो, मैंने आपको मना किया आप मेरी रिकॉर्डिंग ना करो। सुनो मेरी बात, आपके पास भी फ्री टाइम है लोगों को फोन करने के लिए? मैंने तो आपसे पूछा है ना, मैंने आपको कितनी बार ये वर्ड यूज किया, लेना है तो बुक करवाओ, बुक करो, आप भेजो हमें, क्यों भेजे हम बेवकूफ थोड़ी ना भेजते, मुझे थोड़ी ना पता है आप बेवकूफ, आपका नंबर मुझे सेलेक्ट करके दिए जा रहे पागल आदमी का, किसने किया सेलेक्ट, उनसे बात कराओ मेरी। देखो यार ऐसी पता नहीं कितने लोगों को ये एक दिन में कॉले करते हैं, और कुछ लोगों से भाई पैसे भी ले लेते होंगे जो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। अब देखो 15-16 हजार का वो फोन था जिसको ये 3-4 हजार के करीब दे रहे थे। ऐसी चीजों से दूर रहें, जैसे कि आपको हाफ से भी हाफ डिस्काउंट में ऐसे फोन दिए जा रहे हैं, तो भाई बच के रहो। चलो मैं तो बहकावे में नहीं आया, मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि ये फ्रॉड कॉल है। जिसको नहीं पता है और जिसको फोन की, मोबाइल फोन की आपको पता है आज के टाइम पे सभी को ही जरूरत होती है स्मार्टफोन की, तो भाई ऐसे फ्रॉड कॉलों से आप बचें। अगर आपको फ़ोन लेना ही है तो भाई आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले लें, चाहे मार्केट से ले लें, जाके शॉप से ले लें, तो भाई ऐसे झांसों में आप ना ही फंसे। भाई मेरे को पहले लग गया था कि भाई फ्रॉड कॉल है ये, ज़्यादा ये पॉलिटिकली टॉपिक हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, जो बोला है भाई वो सारा रिकॉर्डिंग में है, वो आपने सुन ली होगी, बस ऐसे किसी बहकावे में मत आना आप। तो देखो यार आज का व्लॉग मेरा यही था, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।